67वें रेल सप्ताह पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन आरडीओसीओ के प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया, जहां पर रेलवे में पिछले साल बेहतरीन कार्य करने वाले 9 विभागों एवं 80 कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आरडीओसीओ के महानिदेशक संजीव भूटानी, आरडब्ल्यूडब्ल्यूए की अध्यक्ष निशा भूटानी व अन्य अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित करके की। कार्यक्रम में प्रज्ञा मिश्रा द्वारा गणेश वंदना की प्रस्तुति दी गई और इसके बाद आरडीओसीओ महानिदेशक ने अपना संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने रेलवे द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। सर, आज 67वें रेल सप्ताह और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे सर? आरडीएसओ देखिए एक रेलवे की एक रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट काम कर रही है रेलवे को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है आरडीएसओ उनका अध्ययन कर और उसे रेलवे में इम्प्लीमेंट करती है। तो हम इस अवसर पर, जबकि ये रेलवे वीक चल रहा है, 13 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल का जो समय होता है, इसमें हम रेलवे वीक बनाते हैं। हर रेलवे में इसे बनाया जाता है और आज इस अवसर पर हम अपने उन कर्मियों का, जिन्होंने अच्छा काम किया है पिछले वित्त वर्ष में, और उन्हें पुरस्कृत करते हैं। इसमें हम शील्ड्स भी देते हैं और लगभग आज 80 कर्मचारियों अधिकारियों को हमने आज यहाँ पुरस्कार दिया है, और ये उम्मीद करते हैं कि जब ये फील्ड में जाएंगे तो अपने अन्य कर्मचारियों को भी प्रोत्साहित करेंगे और अच्छा काम करके अगले वर्ष इससे भी अच्छा काम करके रेल की प्रगति में से। थैंक यू सर। चैनल देशबंधन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।